हैं गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी जो है, अब वो मैंने कहा था कि हमारे पास दो किस्म की फ्री एनर्जीज है, हेल्महोल्ट्ज़ और गिब्स फ्री एनर्जी। तो हमारे पास जो है ना यहाँ पे जो गिब्स फ्री एनर्जी है उसकी अलहदा से इक्वेजन है, वो है जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस, पिछली में थी ए इज इक्वल टू ई माइनस टी एस। वहाँ पे जो हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी थी वो इंटरनल एनर्जी पर डिपेंड कर रही है, जबकि गिब्स फ्री एनर्जी एंथैल्पी पर डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो अब गिब्स फ्री एनर्जी को करते हैं सेम वही चीज़ यहाँ पे जो है, फ्री एनर्जी एंथैल्पी एंट्रोपी ये स्टेट फंक्शंस है, तो इनको मैं डेल्टा के साथ मल्टीप्लाई कर देती हूँ। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस माइनस एस डेल्टा टी। और अगर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है तो मेरे पास क्या हो जाएगा, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है तो ये वाली एक्सप्रेशन जो है वो जीरो हो जाएगी। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो ये डेल्टा जी क्या है, अवेलेबल एनर्जी के अंदर चेंज, जो जितनी भी मेरे पास एनर्जी पड़ी हुई है उसमें कितना चेंज आ रहा है। ठीक है, ये आपके पास है हीट कंटेंट में चेंज, एंथैल्पी में चेंज, हीट कितनी इस्तेमाल हुई है या चेंज हुई है, और ये जो है वो सीधी सी बात है एंट्रोपी में चेंज आ रहा है, टी तो वैसे ही कॉन्स्टेंट टेम्परेचर है। अब इसके लिहाज से अगर देखा जाए तो हमें पता है कि जब हमारे पास टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होता है तो जो इक्वेजन थी डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू, इक्वेशन कहाँ से आई है, अगर पीछे जाओ अपनी ये गुलाम रसूल वाली बुक में, इस गुलाम रसूल वाली बुक में जब शुरू वाले टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स में कहाँ पे है, मुझे देख लो, हाँ यहाँ पे जो है ना पेज नंबर 212 पे, जहाँ पे लिखा है कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर डेल्टा एच जो है वो डेल्टा जो क्यू पी के बराबर है। इसकी वजह क्या है वो भी मैं बता देती हूँ कि इसकी वजह क्या है, ऐसा क्यों आएगा, क्योंकि हमारे पास जो है ना डेल्टा एच वो बराबर होता है ई डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी के, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो पी डेल्टा वी के बराबर है। अब मुझे ये पता है कि डेल्टा ई जो है वो क्यू प्लस डब्ल्यू के बराबर है, ठीक है, और डब्ल्यू जो है वो वर्क डन बाय द सिस्टम है, और अगर वर्क डन बाय द सिस्टम है तो माइनस पी डर वी है, इसको मैं इसके अंदर पुट कर लेती हूँ। तो ये मेरे पास आ जाएगा डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई की जगह क्यू, डब्ल्यू की जगह माइनस पी डेल वी प्लस पी डेल वी। तो अब ये इससे कैंसिल हो गया तो मेरे पास क्या बच गया है, डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू। तो अब मैंने ये वाली इक्वेजन ले लेनी है यहाँ से। वापस अपने टॉपिक पे आते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी पे, वो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि इसने हमें ये बताना है इस इक्वेशन ने कि हमारे पास जो है ना ये इंडिकेटर है कि हमारे पास रिएक्शन कितना स्पॉन्टेनियस होगा। स्पॉन्टेनियस होने का क्या मतलब है, अब देखो अगर ना मेरे पास कोई भी रिएक्शन है, पहली बात यूनिवर्स में हर चीज कोशिश कर रही होती है कि उसकी एंट्रोपी इंक्रीज हो सके, उसमें डिसऑर्डरनेस बढ़ सके, और दूसरी चीज़ ये कि वो जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल स्टेट में आ सके। जिस जिस चीज़ ने स्टेबल स्टेट में आना ना वो अपने अंदर से उतनी ज़्यादा हीट निकाल देगी। अब हीट निकालनी है और एंट्रोपी उसमें बढ़नी है, तो वो इसी चीज़ को बता रहे हैं कि अब मेरे पास यहाँ पे हीट वाला भी सिंबल है और एंट्रोपी वाला भी है, तो ये वाली इक्वेशन मुझे बता देगी कि मेरे पास सिस्टम जो है वो स्पॉन्टेनियस होगा कि नहीं। इसके लिए उन्होंने आगे बताया हुआ है, वो भी मैं बताती हूँ कि किस तरह वो कह रहे हैं स्पॉन्टेनियस होगा कि नहीं। पहले इसको हम ऐसे कर लेते हैं कि मेरे पास कांस्टेंट प्रेशर है तो डेल्टा एच बराबर हो गया क्यू के, मैं यहाँ पे क्यू लिख देती हूँ, डेल्टा जी इक्वल है क्यू माइनस टी डेल एस के। ठीक है, अब टी डेल एस जो है, टी डेल एस मुझे पहले ही पता है कि क्यू रिवर्सिबल के बराबर है, उसकी जगह लिख देते हैं डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू माइनस क्यू रिवर्सिबल। अब देखो क्यू है हीट जो सिस्टम ने निकाल ली है, अगर मैं उतनी ही हीट सिस्टम को वापस दे देती हूँ, अगर तू सिस्टम में से जितनी हीट निकली है रिवर्स करने पे भी उतनी ही हीट आ रही है तो दोनों बराबर हुए, तो आंसर तो मेरे पास जीरो आना चाहिए। अगर आंसर जीरो आ रहा है इसका मतलब है कि मेरा सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम पे था, डेल्टा जी जीरो है, इसका मतलब है कि जितनी हीट इस्तेमाल हुई थी उतनी ही हीट वापस आ गई है। ऐसे सिस्टम को कहते हैं इक्विलिब्रियम के ऊपर है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। शर्त यह है कि प्रेशर और टेम्परेचर दोनों कॉन्स्टेंट हो। लेकिन अगर ऐसा हो कि जब तुमने Q माइनस Q रिवर्सिबल किया तो बजाय इससे कि दोनों बराबर आते, हमारे पास जो आंसर है ना वो जीरो से कम आ गया। जीरो से कम आ गया का मतलब है कि मेरे पास डेल्टा G जो है ना वो नेगेटिव में आ गई। जब भी डेल्टा G नेगेटिव में आती है ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है,
ठीक है, और ये स्पॉन्टेनियस होता है। अब इस बात का मतलब क्या है कि डेल्टा जी नेगेटिव में आ गया, इसका मतलब है कि जो क्यू रिवर्सिबल था, जो हीट हम वापस भेजी है, वो ज्यादा है जितनी हीट इसको दी थी उससे, क्योंकि माइनस के साइन का मतलब है कि हीट गिवन बाय द सिस्टम, मतलब कि हीट ने सिस्टम ने हीट ज्यादा दी है, और प्लस क्यू का मतलब है हीट गिवन टू द सिस्टम, और हीट को सिस्टम कम दी है। तो हमारा जब जिस तरह भी आग जलती है वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, हम उसको थोड़ी सी माचिस की तीली देते हैं, हल्की सी आग देते हैं, तो हम जो दे रहे हैं उससे तो बहुत, वो तो बहुत कम होती है, और जो सिस्टम है वो इतनी ज्यादा हीट निकालता है। तो वो ऐसे रिएक्शन जो है ना उनको स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहते हैं जिनमें डेल्टा जी नेगेटिव होता है। लेकिन कुछ ऐसे रिएक्शन भी होते हैं जिनमें डेल्टा जी पॉजिटिव होता है। अगर ऐसा रिएक्शन है जिसमें डेल्टा जी पॉजिटिव है, इसका मतलब है आपको सिस्टम को हीट देनी पड़ेगी, सिस्टम को आप हीट दो, खुद उसको सिस्टम को चलाओ, चलाने के बाद उस सारी एनर्जी खुद दो, अंदर सिस्टम के अंदर हीट डालो, जिस तरह हम लोग खुद ने हमारी बॉडी के अंदर हीट डाले, एनर्जी डाले, तो हम लोग काम करेंगे। तो वही चीज़ वो उसको बता रहे हैं।